हेलो एवरीवन सुप्रभात नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप लोग मैं अजीत आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल थम्पिंग हार्ट के एक नए एपिसोड पे आशा करता हूं आप लोग कुशल मंगल होंगे और ढेर सारी खुशियां बरस रो बरस रही होगी आपके परिवार में एक सुनहरा दिन एक बहुत ही अच्छी सुबह मंगलवार का आज दिन आ, पिन कोड सत्ताईस तैंतालीस जीरो चार टू सेवन फोर थ्री जीरो फोर डिस्ट्रिक्ट कुशीनगर विलेज मठिया खुर्द पोस्ट डुमर भार मैं अभी अवेलेबल हूँ अपने गांव में आया हूँ और अगर मैं ब्लर सिनेमैटिक मोड डिसेबल करूँ तो आपको बैकग्राउंड दिखेगा पीछे सामने सूरज उगा हुआ और ब्यूटीफुल वेदर आउटसाइड और ब्यूटीफुल आपको ये सीनरी दिखेगी मेरे घर के आसपास आशा करता हूँ आपका दिन ये बहुत अच्छा जाए तो बने रहिए इस वीडियो में आपको फटाफट एक गाँव का एक सिनेमैटिक शॉट दिखाता हूँ और आगे बढ़ते हैं ये है मेरे सब्जियों की खेती ये जो देख रहे हैं आप लोग ये है बकला दाल बोलते हैं एक उसकी दाल है ये ब्यूटिफुल ये छोटा भाई इसमें इसको मैं ही बोके गया था इस ये बकला है इसमें आपको जिगाजर भी दिख जाएगा मूली ये मूली है और क्या है इसमें दोस्तों कहीं भी रहे खेती बाड़ी करते रहे गमले में करें बाल्टी में करें जहां जो जैसा ये है आलू ये है आलू बोया गया है बट ये आलू हुआ नहीं है बिकॉज हम लोगों ने इसका ख्याल नहीं रखा है चोर क्या निकाला तुम अभी मेरे खेती में चोरी करते हो तुम देखिए मूली निकाल रहा है फ्रेश फ्रेश, फ्रेश प्योर ऑर्गेनिक मूली क्या बात है बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बढ़िया और भी है बुखार उखारो ये हमारे प्रधान जी ग्राम प्रधान अरविंद शर्मा मेरे बड़े भैया खेत का मुआयना करते हुए ये छोटे सरकार मूली उखाड़ते हुए इधर भी है एक पर पतला रंदो। मोटा तो मजा है अच्छा कल खाया था वहा वही मैं कहू इतना सॉफ्ट कैसे है गया रुट गया इधर इधर जो है वो अपन भी एक उखाड़ेगा तो पतला है किधर कह रहे थे तो गांव में कुछ गए हैं ऐसे उखाड़ ले जाता है हाँ लो आलू नहीं हुआ है ना? हो गया ये मेरे गन्ने का खेत, आज कट रहा है ये, अब ये लोडिंग होके शुगर मिल जाएगा। दिखाता हूँ आप लोगों को गन्ना, फ्रेश फ्रेश गन्ना भी अभी जस्ट कटा है ये। हाँ, देखो ये कई कई क्विंटल मूली निकाल लिए हैं छोटे सरकार। इसका हम अचार डालेंगे मूली का अचार हाँ। ये यहाँ से लेके वो लास्ट तक ये पूरा आलू बोया गया है ये।, ये देखो ये ये आलू पेड़ में लगा हुआ अभी भी लगाया टूट गया ये अभी इसको घर लेके जाना पड़ेगा ये सूख गया है खराब हो रहा है ऊपर आ गए हैं ये अच्छा गोरखपुर जा रहा है बच्चों के हॉस्टल ये देखिए आलू ये देखिए छोटे 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 आलू को रखे हैं छोटे मोड़े आलू एकदम तो छोटे छोटे आलू ये बड़े हो जाते हैं तब इनको ढक देते हैं अभी अभी ये हुआ नहीं है इसको बढ़िया से कवर कर दिया जाए तब तो होगा स्मॉल आलू राइट फ्रॉम द फार्म प्योर ऑर्गेनिक आज के दिन का मैं ब्लॉग दो पार्ट में बनाऊंगा एक होगा डेडिकेटेड फॉर माय बाइक एक होगा डेडिकेटेड फॉर माय विलेज लाइफ स्टेट ट्यून गाइस तो गालवा बहुत बढ़िया ठीक बाड़ा, तो बाड़ा। हां सब का हाल है गलियां हुई काम ना बढ़िया चलता हां चल सेहत पानी ठीक चलो बहुत बढ़िया कहां काम पर जाई 3 4 बजे कबवे करे के जाना सेट कर चलो हालचाल ठीक बता हार इनारिनार तो बन गए एकदम मस्त ये है घोरा इसको हम लोग बोलते हैं ठीक है ये जो देख रहे हो आप लोग ये घोरा है ये गाय और भैंस के गोबर से बनता है बारिश के सीजन में जब खाने का बनाने के टाइम पे या फिर आग वाग को, ए, दिस इज द बेस्ट रिसोर्स ऑफ एनी विलेज हर एक गांव में एक अलग अलग तरीके से बनता है मैं वाक बताना चाहता हूँ जो रोटियाँ आप खाते हो ठीक है ये उन सब मेरे सारे सब्सक्राइबर्स के लिए जो जो नहीं जानते हैं जो हम लोग रोटी खाते हैं वो इसी का होता है ये है गेहूं का पेड़ तो अभी सुबह सुबह इस पर जो ओस टिक रखी है क्लोज तो लुक ये सबसे बेहतरीन लगता है मुझे ये अभी ये गेहूं करीब डेढ़ महीने का हुआ एक डेढ़ महीने का ये अप्रैल में कटाई होगी इसकी अप्रैल में कटिंग करके फिर इसको थ्रेशर में डाल के फिर इसमें से गेहूं निकलेगा फिर उस गेहूं को चक्की में पीस के तब जाके ये आटा बनता है तो यह है गेहूं का खेत प्योर तो एकदम ये सबसे बेस्ट पार्ट होता है ऐसे करना तो गेहूं बस पंजाब में नहीं होता ये हमारे उत्तर प्रदेश में भी होता है ये बगल में आपको सरसों का खेत दिख रहा है विंटर्स में चाहे कहीं भी गांव का नाम लेते ही सरसों का खेत सबसे पहले लोग वो करते हैं कि भैया सरसों का खेत कहाँ है सरसों खेत में फोटो खिंचाना है तो मैं जब भी अपने गांव आता हूँ चाहे मैं अपने किसी दो अपने किसी दोस्तों को वो करता हूँ तो लोग कहते हैं अरे भाई सर तेरे गांव में सरसों खेत होता है हाँ भाई सरसों सर खेत होता है देख मेरे गांव में सरसों सर खेत होता है सरसों सर खेत के बीच में खड़ा हूँ बिल्कुल ये सरसों सर खेत है इसमें बीच से आया नहीं जाता अभी इसमें फूल फल लग रहे हैं फूल हो गया है तो ये फूल झड़ जाएगा फिर इसमें फूल गिरने के बाद से जो इसमें दाने हैं वो दाने हो जाएंगे फिर ये सूखेंगे फिर इनको कटिंग की जाएगी फिर इनको झाड़ के सरसों निकाला जाता है उसमें तो निकलता है तेल तो उस तेल को मस्टर्ड ऑयल बोलते हैं वो प्योर ऑर्गेनिक होता है फिर उसका इस्तेमाल होता है सब्जियों में और खाने में रिजेक्टेड रिजेक्ट हो गल कैसे पता है कि वो रिजेक्ट है अंदर इसमें कीड़ा लग चुका है इसमें देखिए इसमें ये कीड़े लग चुके हैं तो इसी बीमारी की मैं बात कर रहा था जिसके बस अब ये कीड़े लग गए हैं ये रेड हो गया रेड होने के बाद ये सूख जाएगा फिर ये इसको शुगर बिल रिजेक्ट कर देगा ऐसा जो मैंने दिखाया था अभी पिछले कुछ देर पहले जिसमें सारे वो सूख जाते हैं ये कुछ खाने लायक हो ये कटा हुआ है ऑलरेडी पर फिर भी हम अपने वीडियो के लिए काटेंगे इसको मगर नहीं काटें। काटेंगे काटेंगे तो छोटा हो जाएगा और पापा नाराज हो जाएंगे भाभी लो हो गए खुद गन्ने का खेत का गन्ना बस दोस्तों गन्ना खा लिया है मस्त एकदम गन्ना खाने के बाद से आपको ब्रश करने की जरूरत नहीं होती है बस ऑसम awesome डे की शुरुआत हुई है आज आ, इस वीडियो को आज यहीं ख़त्म करते हैं मिलते हैं आप लोग उसे अगले वीडियो में तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें मस्त रहें और जिन भी भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डू सपोर्ट मी आगे भी बहुत सारे मैं कंटेंट लाने वाला हूँ बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे जो आप लोगों को पसंद आएगा तो इसी मैसेज के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ और मिलता हूँ आप लोगों से अगले एपिसोड में तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें स्वस्थ रहें मस्त रहें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो यू हैव अ नाइस डे